दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे प्लान की जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका साइज बेहद ही कम है, 20x15। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो 20 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो 15 फीट मात्र है। और इसी पर मैंने एक हाउस प्लान डिज़ाइन किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पूरा डिज़ाइन है और बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन सा डिज़ाइन है आप सभी के लिए। हमारे सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पे ये मॉडल डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। अगर आपको ये वो मॉडल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। साथ अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैंने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दो फ्लोर डिज़ाइन की हैं। तो हमेशा की तरीके से हम इसको पहले ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाना चाहेंगे। तो जैसे मॉडल को आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये देखिए, पूरा ऊपर से लेकर मॉडल नीचे तक आपको दिखता है। फ्रंट की बात करें, बैक की बात करें, साइड की बात करें, जो भी आप देखना चाहें यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा ये मॉडल आपको सामने है और आपको बेहतरीन सा लुक दिखने वाला है। तो अब हम इसको ले चलते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर। इसका बैकग्राउंड रिमूव करके अब आपको यहाँ पर देखिएगा बेहतरीन सा लुक है। तो फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए डिजाइनिंग का पार्ट है। ये आपके दो पिलर से आपको दिख रहे हैं, ये भी डिजाइनिंग के पार्ट्स में ही आते हैं। ये आपका मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे। ये बालकनी दिख रही है आपको और ऊपर ये आपको स्टेयर्स को ढकने के लिए एक गुमटी बना रखी है मैंने। तो चलो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं तो मैं जूम कर देता हूँ ग्राउंड फ्लोर को, तो आप जूम करने पर आपको और बेहतरीन और क्लियर दिखेगा। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर है आपका। ये आपका जो दिख रहा है ये रेफ है। अगर आप यहाँ से बाइक को चढ़ाना चाहते हैं बहुत आसानी चढ़ा सकते हैं। रोड से लगभग 2 से 2.5 फीट आपका मकान ऊँचा है, क्योंकि रोड से कुछ मकान ऊँचे ही बनाए जाते हैं। ये डिजाइनिंग का पार्ट आपका ये देखिएगा, प्लस टाइप के दिख रहे होंगे दो, और ये विंडोज लगी हैं। अब यहाँ मेन डोर आपका ये दिख रहा है, ग्लासेस का मेन डोर मैंने लगाया। आप पर डिपेंड करता है क्या आप चूज़ करता है। जैसे यहाँ से एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक ये देखिए बेडरूम मिल जाता है। इस बेडरूम के डोर यहाँ पर मैंने दिया, इस यहाँ से आप इस बेडरूम में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मात्र आपको एक बेडरूम ही मिलने वाला है। और ये आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं, जैसे आप स्टेयर्स ऊपर चढ़ेंगे उसके नीचे आपका लेटरिन और बाथरूम कम्बाइंड मिल जाता है, क्योंकि जगह बहुत ही सीमित है। आपको यहीं पर लेटरिन और बाथरूम अपना कम्बाइन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर आपका ये मिल जाता है किचन। मैंने किचन दोस्तों बाहर इसलिए बनाया है कि बाहर से आप कोई विंडो जैसे मैंने लगाया है तो इन विंडोज़ का आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें, इससे आपका जो किचन है वो ओपन हो सके, जिसमें कोई आपकी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम्स ना हो। और मैंने ग्लासेस वाला डोर इसलिए लगाया है क्योंकि आपको घर में छोटा होने की वजह से हो सकता है वेंटिलेशन की प्रॉब्लम हो, तो आप यहाँ से अपना हवा पास हो सके, रोशनी जा सके। और ये आपका देखिएगा जो लेटरिंग है, ये मैंने यहाँ पर जो डिजाइनिंग का दरवाज़ा है दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जाली टाइप की जो लगी है इसको आपको क्लोज ही दरवाज़ा लगवाना पड़ेगा। और किचन के लिए दरवाज़ा दिया है, बेडरूम के लिए ये दिया है। तो ये पूरा हो गया ग्राउंड फ्लोर। तो ये ग्राउंड फ्लोर आपको फ्रंट से ऐसा दिखेगा और थ्री साइड क्लोज्ड हाउस है दोस्तों ये। अब हम इसके चलते हैं लास्ट फ्लोर पर, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर आप जैसा देख पा रहे हो स्टेयर्स के माध्यम जैसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो मैंने लेटरिन बाथरूम बनाया था वो हटा दिया है और यहाँ पर किचन हटा दिया है। ये लगभग 15 फीट टोटल जगह था, आपको पता ही 15 फीट में दो रूम बना दिए हैं मैंने। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, अगर आप इन रूम्स का, इन बालकनी का, इन सभी का साइज़ जानना चाहते हैं तो हमारे आप स्मॉल हाउस प्लान की वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इस प्लान को आप मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वो आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका नाम पता सब मांगेगा और आपको 99 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा और आपके सामने इसकी 2D इमेजेस, 3D इमेजेस विथ डायमेंशन आपको डाउनलोड हो जाएंगे एज अ जिप फाइल आपके प्रोफाइल में, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्लान को आपका साइज़ देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसमें मैंने 2 से 2.5 फीट की बालकनी लगाई है, इसमें मैंने ये फिर डोर लगाया है बालकनी माने के लिए, और सारी चीज़ें वही प्रॉपर तरीके से आपकी मेंशन है। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर पर। तो लास्ट फ्लोर पर मैंने कुछ खासा डिज़ाइन नहीं किया है। अब मैं आते स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो इसको गुमटी बना दिया, ढक दिया है और ये आपको चारों तरफ 3 से 4 फीट का ये बाउंड्री दे दिया है और सामने बालकनी दे दी है। तो ये पूरा 20x15 का हाउस डिज़ाइन है, जैसा कि आपने दोस्तों देखा। और ये प्लान कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऐसे लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमसे लगातार जुड़े रहें, जिससे आपका मैं हमेशा हेल्प कर सकूं। और आपका कोई रिकमेंडेड मॉडल हो, आप कोई मॉडल बनवाना चाहते हो, मुझे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।